वेलकम टू टॉप इन्फो हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू एड एंड स्क्रीन ऑन यूट्यूब वीडियो, यानी आप आपकी जो एंड स्क्रीन है ना, मतलब जो एंड स्क्रीन कैसी होती है, जो आप कोई वीडियो देखते हो उसके लास्ट में आपको वीडियो दिखती है, सब्सक्राइबर बटन दिखता है, तो वो जो एंड स्क्रीन होती है वो आप कैसे ऐड करते हो अपनी वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि आप एंड स्क्रीन कैसे ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि नया यूट्यूब वीडियो है इसमें परेशानी आती है, जो पहले वाला था उसमें मतलब जल्दी से हो जाता था हर काम, इसमें थोड़ा सा क्या है कि अलग है, ये अभी नया है ना, बीटा वर्जन है, तो इसके लिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ। मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। तो एंड स्क्रीन के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी एक वीडियो अपलोड कर लेना है, सब चीज़ें कर लेने के बाद, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालने के बाद, थंबनेल डाल लेने के बाद, है ना, आपको पब्लिश नहीं करना है अभी हाल। पब्लिश करने के पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे अपने जो वीडियो ओपन करोगे आप दोस्तों, जो आपकी वीडियो है जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे टेक थंबनेल आप डालते हो सब जने, ठीक है, ये सब डाल देते हो, ये जो फिगर होता है अपनी वीडियो को एडिट मोड में लाते हो आप, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये देख सकते हो नीचे, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाएगी, एक आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा और एक कार्ड का मिल जाएगा ऑप्शन। अभी फिलहाल मेरे को आपको एंड स्क्रीन के बारे में बताना है, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा एक बार। इस पर आप जब क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता देगा ये कि आपको कैसे क्या डालना है, मतलब यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिल जाएगी, रेडीमेड यहाँ पे टेम्पलेट है कि एक वीडियो और आपका सब्सक्राइब बटन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो एक सब्सक्राइबर बटन, यहाँ दो वीडियो ऐड कर सकते हो इस टेम्पलेट पे क्लिक करके। उसके बाद अगर आप इसको और नीचे करते हो तो यहाँ पे आपको और भी टेम्पलेट मिल जाएगी, देख सकते हो दो वीडियो एक सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, है ना। तो फिलहाल मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया रेडीमेड टेम्पलेटों ने, अब सिंपल हमने जैसे इस पर क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा ऑलरेडी जो सब्सक्राइब बटन का इसने ले लिया है लोगों के साथ, यहाँ पे क्लिक करेगा तो कोई सब्सक्राइब कर सकता है हमारे वीडियो को। और यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक इसने क्या करा, प्लेलिस्ट के लिए ऑप्शन दे रहा है कि एक प्लेलिस्ट को एडिट कर लो आप, है ना। और यहाँ पे जो बेस्ट व्यूवर है, जैसे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे, तो यहाँ पे देख सकते हो व्यूवर वीडियो है ना, जो सबसे ज़्यादा व्यू है आपकी वीडियो में, एक वो हो गया, और एक यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एडिट मतलब प्लेलिस्ट वाली वीडियो एड कर सकते हो। तो सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं इस पर ऐड करने के लिए, इसको एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना बस, और हमने इस पर क्लिक किया, और अगर यहाँ पे आप देखोगे अब तो ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये आपकी कोई भी प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल ये जैसे यूट्यूब चैनल वाली कर देता हूँ, मतलब यूट्यूब के बारे में ये वीडियो जो हमारी है कैटेगरी वाइज, है ना। और उसके बाद सिंपल आपको ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ सेव पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मेरे को दो वीडियो नहीं, मेरे को तीन वीडियो डालना है, एक सब्सक्राइब बटन डालना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस एलिमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल अगर आप इस पर क्लिक करते हो एक बार, तो आप यहाँ से आप कोई भी वीडियो ले सकते हो, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ गया, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ गया, चैनल का आ गया। फिलहाल मैं वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पे एक वीडियो और ऐड कर देता हूँ, जैसे अब यहाँ आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, मोस्ट रिसेंट अपलोड वीडियो, यहाँ पे फिर आपका बेस्ट व्यूअर वीडियो आ जाएगी, और यह चूज़ ये कोई सी भी वीडियो आप ऐड कर सकते हो। तो मैं एक चूज़ कर लेता हूँ कोई सी भी वीडियो, यहाँ से हम कोई सी भी सिलेक्ट करके अपनी पर्सनल कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं इसमें, जो आपको चाहते हो अच्छी दिखाने के लिए, कि आप चाहते हो कि आपके जो भी फॉलोअर्स है ना वो ये वीडियो देखे, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई सी भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक पे, उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो ये आ गई है, है ना। अब आप अगर इसमें चाहते हो कि आप ये जो सब्सक्राइब बटन है या फिर कोई वीडियो को हटाना चाहते हो, तो क्या करते हैं ना, आपको सिंपल उस वीडियो पर जैसे सब्सक्राइब बटन है इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ जैसे मेरे को बटन ये डिलीट करना है जैसे बटन को, और इसके बदले एक वीडियो और ऐड करना है, क्योंकि चार एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन में। तो मैंने जैसे सिंपल अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ डिलीट पर, तो मैंने यहाँ डिलीट पर क्लिक कर दिया, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सब्सक्राइब बटन आप देख सकते हो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं चाहूँगा एक वीडियो और ऐड करना, तो मैं एक वीडियो यहाँ से और ऐड कर लेता हूँ ऐड एलिमेंट पर क्लिक करके प्लस पे, तो हम यहाँ से वापस से एक वीडियो और ऐड कर लेते हैं, यहाँ हम वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे चूज़ वीडियो पर क्लिक कर रही हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे से मैं एक वीडियो और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से एक वीडियो उठा ली और मैंने यह ऐड कर दिया। अब यहाँ देखोगे तो आप चार वीडियो ऐड हो चुकी है, ठीक है, आप चार वीडियो ऐड कर सकते हो, चार मतलब कोई भी एलिमेंट चार ऐड कर सकते हो आप अपने चैनल पे, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, और
आपको अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको पूरे चैनल पर मिल जाएगी, जो आपके YouTube जर्नी में काफ़ी मदद करेगी। काफ़ी बढ़िया वीडियो मैंने बनाई है इस चैनल पर, जो आपके YouTube चैनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर YouTube चैनल चलाते हो तो SEO से रिलेटेड वीड IQ के बारे में बताया मैंने, TubeBuddy के बारे में बताया है। TubeBuddy एप्लीकेशन और TubeBuddy एप्लीकेशन है, TubeBuddy एक्सटेंशन जो एंड्रॉयड में ऐड कर सकते हो, TubeBuddy आप अपने लैपटॉप में कैसे ऐड करते हो वो बताया, वीड IQ के बारे में बताया, जो एप्लीकेशन है वीड IQ की भी एप्लीकेशन है उसके बारे में ट्यूटोरियल बताया आपको, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या ऐड करना है, और एक्सटेंशन वीड IQ के बारे में भी बताया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बता रखी है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप प्लीज़ दोस्तों से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।